स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने हैं द सोलर सिस्टम चैप्टर, ज्योग्राफी का जो आता है सोशल स्टडीज के अंदर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सोलर सिस्टम के बारे में हर एक चीज। रात कैसे होता है, दिन कैसे होता है, सूरज क्या है, अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सोलर सिस्टम है क्या। सोलर सिस्टम वह है जहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है और सन जो है वो एक स्टार है, वो बहुत बड़ा है, वो जो है आपका गोला है। तो वो जो है सबसे बड़ा लाइट सोर्स है अर्थ के ऊपर। जैसे अर्थ है, अब ये मान लीजिए आप सन है और ये इसके 8 प्लैनेट्स हैं सन के चार पर, वो घूमते हैं ऐसे ही 8 प्लैनेट्स हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो तीसरे नंबर पर है। जैसे ये फर्स्ट हो गया ऑर्बिट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो यहाँ पर हमारी अर्थ है जो चंद के चारों ओर चक्कर लगा रही है ऐसे रोटेशनली, और वो जो है सन का चार एक चक्कर 365 डेज में लगाती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स में लगाती है। और जो वो 6 आवर्स हम बचलाते हैं वो हम 4 साल तक बचाते हैं, और फिर 4 साल के बाद वो एक दिन बन जाता है, तो उसको हम फरवरी में जोड़ लेते हैं जो कि लीप ईयर कहलाता है। तो सोलर सिस्टम के अंदर जैसे हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, वैसे ही 7 और भी प्लैनेट्स हैं। तो 7 और प्लैनेट्स हैं। सबसे पहला ये जो ऑर्बिट है, सबसे पहले तो हमारी जो ऑर्बिट है उसमें सबसे पहला जो प्लैनेट है वो है मरकरी। यहाँ पर है छोटा सा मरकरी जो कि सबसे गर्म है, वो लिक्विड फॉर्म में है। फिर उसके बाद आता है हमारा वीनस जो कि अर्थ की ट्विन सिस्टर यानी उसके जैसे दिखने वाला ही एक प्लैनेट है, लेकिन वह भी बहुत गर्म है। थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर एग्जिस्ट करता है, और जहाँ वाटर एग्जिस्ट करता है वहाँ पर हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और किसी भी प्लैनेट के ऊपर अभी तक लाइफ को एग्जिस्ट करने का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। तो हम और पढ़ते हैं। 3 प्लैनेट्स हैं टोटल हमारे अर्थ के अंदर, टोटल सोलर सिस्टम के अंदर हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। वो 8 प्लैनेट्स की जो सन का चक्कर लगाने की जो क्षमता है, यानी कितने टाइम में वो सन का चक्कर लगाते हैं, वो अलग अलग है। जैसे जो पास होगा, क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होगा तो वो कम टाइम में लगाएगा, और अगर वो बड़ा होगा तो ज़्यादा टाइम में लगाएगा। अब आपको तो पता ही होगा कि अर्थ जो है सूरज के चक्कर लगाती है, लेकिन वो खुद भी अपनी एक्सिस पर टेढ़ी होती है, अर्थ वो घूमती है। तो ये है हमारी अर्थ, ये इसको कहते हैं ग्लोब, जो कि हमारी अर्थ का मिनिएचर यानी छोटा वर्जन है। अब देखिए आप, ये जो अर्थ है ये थोड़ी सी टेढ़ी यानी ऐसी झुकी हुई है, ऐसी है। तो ये जो झुकी हुई है ये नेचुरल तरीके से झुकी हुई है, और इसका जो ये होता है साउथ पोल और ये होता है नॉर्थ पोल। तो हमारी अर्थ जो है वो सन की तरफ ऐसी ही झुकी हुई है। तो ये है हमारे सोलर सिस्टम एक छोटी सी पिक्चर। तो यहाँ पर सबसे पास आता है हमारा मरकरी जो कि सन के सबसे पास है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा वीनस जो कि सन से सेकंड नंबर पर दूर है, उसकी जो ऑर्बिट है वो भी सन के चक्र। और फिर ये जो आपको नीला ग्रह दिख रहा है ये है हमारी अर्थ जो कि सन की तरफ झुकी हुई है थोड़ी टेढ़ी। फिर चौथे नंबर पर आता है हमारा मार्स। अब मार्स के बाद ये जो ये आपको दिख रहा है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी होता है जहाँ पर वो छोटे छोटे पिंड होते हैं यानी पत्थर होते हैं, टूटे पत्थर, वो यहाँ पर घूमते हैं। फिर उसके काफ़ी दूर, अपनी मार्स के काफ़ी दूर ये है जुपिटर। फिर जुपिटर के बाद हमारा अगला प्लैनेट 6th प्लैनेट आता है सैटर्न, और ये जो आपको इस पर रिंग दिख रही है ये गैसेस की रिंग है। फिर उसके बाद आता है हमारा यूरेनस। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे छोटा और सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। अब ये जो है हमारे प्लैनेट्स हैं, और इसके बाद भी एक कैटेगरी होती है जो है ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह, जो इन प्लैनेट से काफी छोटा होता है। पहले जो थे हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, उसमें हम प्लूटो को भी गिनते थे तो प्लूटो जो है अब हमारे साइंटिस्ट ने पता लगाया गया है कि प्लूटो जो है वो बौना ग्रह है, वो हमारे सब ग्रहों से बहुत छोटा है। वो आपको ना सोलर सिस्टम में किसी में दिखाई देगा, वो सिर्फ आपको पढ़ने में आएगा कि प्लूटो जो है एक प्लैनेट है, लेकिन वो बौना ग्रह यानी द्वाप प्लैनेट है। तो चलिए हम और पढ़ लेते हैं कि कौन किसके कौन अपने सन के चारों ओर कितना समय लगाता है और कौन अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में घूमता है। स्टार्ट। तो ये है हमारा सन। अब सबसे पहला हमने आपको बताया था सबसे पहला ग्रह कौन सा है, मार्स। इसको आप मान लीजिए मार्स। तो मार्स जो है सन के चारों ओर कितने टाइम में लगाता है, वो लगाता है 59 डेज के अंदर सन के चक्कर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं हम मार्स। सॉरी मैंने आपको मार्स बताया, लेकिन सबसे पहला होता है मरकरी। मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मरकरी, मैंने मर लिख लिया। अब ये जो लगाता है 59 डेज
9 डेज लगाता है सन के चारों चक्कर लगाने पे। तो अब हमारा सेकंड आता है, वो होता है वीनस। तो यहाँ बना लेते हैं वीनस भी, वीनस ये बन गया हमारा वीनस। तो वीनस लगाता है, तो वीनस जो लगाता है वो लगाता है 243 डेज। यहाँ हम लिख लेते हैं 243 डेज। ये लगाता है सन का चक्कर 243 डेज में। तो हमारा अगला प्लेनेट आता है अर्थ, वो अपनी एक्सिस पे लगाती है वन डे। अब हमारा अगला आता है मार्स। मार्स जो है अपनी ही एक्सिस पे लगाता है वन डे घूमने में, अपनी ही एक्सिस पे वन डे। अब हमारा अगला आता है जुपिटर। जुपिटर लगाता है अपनी एक्सिस पे घूमने में 10 घंटे। ये मान लेते हैं हमारा जुपिटर, वो लगाता है 10 आवर्स। अब हमारा अगला आता है यहाँ पर सैटर्न। सैटर्न लगाता है 10 घंटे 40 मिनट में। यहाँ लिख लेते हैं हम 10 घंटे 40 मिनट, 10 आवर्स। तो हमारा हो गया 10 आवर्स। तो हमारा अगला प्लैनेट आता है यूरेनस। ये रहा यूरेनस। यूरेनस लगाता है 17 घंटे में, एक अपनी ही एक्सिस पर अपना खड़ा है वो और ऐसा घूमता जा रहा है 17 घंटे में वो लगाता है। तो हमारा अगला आता है सबसे छोटा नेपच्यून, है ठंडा ग्रह। नेपच्यून अपनी ही एक्सिस पर घूमता है 16 घंटे में। चलिए हमने अब ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं कि जो ग्रह है वो सन का चक्कर कितने टाइम में लगाता है। भैया हाँ भैया, आपने ना मुझे गेमिंग पीसी नहीं दिलवाया जब से। अरे मैं दिलवाया तो भी छोटा है गेमिंग पीसी के लिए। भैया 4 महीने से आपने, मैं आपसे मांग रहा हूँ कि गेमिंग पीसी दिलवा दो। आप ही ने कल कहा था कि आप गेमिंग दिलवाओगे। अरे मम्मी को बुलाऊं भी। लो गाइस, ये ना जो मेरे भैया है ना, वो बहुत खड़ूस यूट्यूबर है। उन मैं उनसे कह रहा हूँ कि 4 महीने से गेमिंग पीसी दिलवा। क्या रे, ये तो मेरा भाई है कि उनका भाई है, मेरी तरफ ना देखे। उन लोगों ने भाई चिकनाई करता है। मैं 10 रुपए रख जा, इसकी मगर रखा, निकल मेरी वीडियो बन नहीं यहाँ पे। गाय में पानी पीने बोल के गया था आपको और इसने वीडियो ऑन कर दिया, फिर यहाँ आ गया। मेरी बुराई करनी, इसको भी मैं बाद में देखता हूँ। चलिए आपको मैं जो पढ़ा रहा था वो करते हैं। अब तक हमने सोलार सिस्टम पढ़ लिया था, हमने ये भी पढ़ लिया था कि कौन अपनी एक्सिस पर कितने टाइम पर लगाता है चक्कर। अब हम पढ़ेंगे, प्लैनेट तो बहुत हो गया, अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। तो यहाँ पढ़ लेते हैं स्टार्स। स्टार्स वो चीज़ें होती हैं, वो एक क्रिस्टल बॉडी, एक ऐसा पत्थर होता है जो चमकीला होता है, जिनके पास खुद की लाइट होती है, और जो मून है वो भी चमकता है। वो सबसे बड़ा अर्थ से दिखने वाला एक स्टार है, लेकिन वो स्टार नहीं है, वो एक ऐसा है जो लाइट को लेकर फिर आपको देता है। जैसे मिरर होता है, वो लाइट को पहले लेता है फिर आपको देता है, यानी पहले वो